लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए दौसा में पहली बार राजीविका की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह ने लालसोट रोड पर बाजार लगाया है। इस बाजार में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा हाथों से बनाई गई मूर्तियां, दीपक और दीपावली से जुड़ी कई अन्य सामग्रियां बेची जा रही हैं। दौसा जिला कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी भी अपने परिवार के साथ राजीविका की इस दुकान पर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित भी किया। इस दौरान उनकी पत्नी आईआरएस फरहा हुसैन ने भी अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदे। उनको आर्थिक संबल दिया जा सकता है और जैसे जगह जगह के ऊपर दोसा के बीच में दीपदान हो रहा है, तो उन जितने भी लोग दीपदान कर रहे हैं उनसे आह्वान किया जा रहा है कि इन महिलाओं से खरीदें ताकि ये आर्थिक संबल इनको मिल सके। ये सब स्वयं समूह की महिलाएं हैं, ग्रामीण एरिया से आती हैं और अपना मेहनत करके यहाँ पे आके दीपावली पे इसको बेचती हैं। ये हर वर्ष करती हैं लेकिन कहीं इनको स्पॉट नहीं मिल पाता, कभी ये बाहर होती थी कहीं दूर होती थी, तो इस बार इनको नगर परिषद के सामने हम लोगों ने व्यवस्था की है और आप देख ही रहे हैं कि इनके अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं, हर हर चीज़ अलग अलग आ रही है। तो कोशिश है कि इनके परिवारों को संबल दिया जाए और इनका लाइवलीहुड बढ़ाया जाए।